अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस ने जीत दर्ज की। रियासत में किस कदर भाजपा संघ परिवार की जानिब से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी सभी जानते हैं। यकीनन रियासत के सभी सेक्युलर सोच और फिक्र रखने वालों की इज्तमाई कोशिश रही, जिसकी वजह से भाजपा या फिरका परस्त नजरिया रखने वालों को इख्तदार से बेदखल कर दिया गया। जाहिर है इसमें मुसलमानों का भी अहम किरदार रहा। शायद अब तक मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को इस कदर शायद नहीं दिया होगा। जिस तरह भाजपा को कर्नाटक के वोटरों ने बाहर कर दिया है, उसी तरह जनता दल भी सिकुड़ती नजर आ रही है। अब तो जेडीएस के घर के लोग ही हारने लगे हैं। मतलब इतना तो जरूर पैगाम दिया गया कि धर्म जात पात से पहले रोटी कपड़ा और मकान ज्यादा अहमियत के हामी हैं। खैर, जब मुसलमानों ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया ही है, और जाहिर है सबसे ज्यादा खुशी भी मुसलमानों को ही होते दिखाई दे रहा है। और खुश क्यों ना हो, आखिर उस पार्टी को बेदखल कर दिया गया है जिसने सुबह शाम मुसलमानों को निशाना बनाने के और किया ही क्या है। मुसलमानों का सामाजिक बायकॉट, मुसलमानों का रिजर्वेशन तक छीन लेना, CANRC के जरिए मुसलमानों को देश से बाहर करना, फिर नस्लकशी का ऐलान खुले मंचों से करना, इस तरह से खुले आम भाजपा के बुजुर्ग लीडर कहते हुए देखा गया। मुसलमानों को तालीमी मैदान से भी बाहर करने की कोशिश, मस्जिदों पर भगवा परचम, सड़क तोसी के बहाने मस्जिदों पर बुलडोजर, एक तवील दास्तान मुल्क के साथ रियासत कर्नाटक में भी रकम की जा रही थी। अब इस जीत पर मुसलमान जिस तरह से खुशी का इजहार कर रहे, यकीनन खुशी तो होनी चाहिए, पर क्या तमाम मसाइल मुसलमानों के हल हो चुके हैं? मुसलमानों को बैठ कर इस वक्त सोचने की जरूरत है। यकीनन कुछ लम्हा मिला है, कुछ वक्त जरूर मिला है कि वो कुछ आने वाले हालात के ताल्लुक से सोचे, लेकिन क्या वाकई मुसलमान सोचने की ज़हनियत रखते हैं? खैर, इस तरह के कई सवालात आज के इस मौजू पर। अब इस जीत पर भी कुछ सवाल उठाते हुए ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जानबूझकर चुनाव हार चुकी है। कई माहिरीन का कहना यह भी है कि कांग्रेस ने भाजपा को हराया नहीं है, बल्कि भाजपा ने कांग्रेस को जिताया है। यानी लोकसभा 2024 के बड़े चुनाव जीतने से पहले इस तरह हारने का नाटक भाजपा करती है। कुछ मिसालें इस तरह भी पेश की जा रही कि लोकसभा 2019 के पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा हार गई, मध्य प्रदेश में भाजपा हार गई, राजस्थान में भी भाजपा हार चुकी थी। अरे तमाम लोकसभा चुनाव से पहले हो जाता है, और जैसे लोकसभा का बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि EVM के जरिए इस तरह से एक कयास लगा जाता है कि इल्जाम है, तो फिर जीते हुए तमाम रियासत भी ऑपरेशन कमल के जरिए फिर से हासिल किया जाता है। लिहाजा मौजूदा जीत पर खासकर मुसलमानों को ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। जो भी हो, लेकिन फिलहाल भाजपा हुकूमत से बाहर है, लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है। क्या वाकई फिर भाजपा मरकज में हुकूमत बनाने के लिए माहौल तो बना नहीं रही? खैर, कयास आ रही है तो जारी है, पर हुकूमत कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, क्या मुसलमानों के मसाइल कम होंगे? और यही अहम मसला है। वैसे भाजपा अपने एजेंडे को उसी दिन से बढ़ाने लगी है जब से कांग्रेस ने अक्सरियत से कर्नाटक में जीत दर्ज की। बेलगाम में फर्जी नारों के जरिए मुसलमानों को देश विरोधी साबित करने की कोशिश की, और आज तो भाजपा रियासती सदर नवीन कुमार कटील ने कहा कि कर्नाटक का तालिबानीकरण होना शुरू हुआ है। दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा कारकुन का कत्ल भी इसी पस मंजर में पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज किला तालाब में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा MLA आसिफ सेठ और फिरोज सेठ के हाथों फिर लहराया गया। तो कुछ फिर का पर सोचो फिक्र के लोगों ने सोशल मीडिया पर भगवा फहराना चाहिए के कमेंट्स किए। किस हद तक जरूरत देख सकते हैं, कांग्रेस की हुकूमत है लेकिन आज भी फिरका परस्तों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, ये भी हकीकत है। सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तानी हिमायती नारों की कहानियां बनाकर सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया मखसूस समाज को ही कड़घरे में खड़ा करना चाहती है, तो फिर भगवा फहराने का कमेंट करने वालों पर भी कार्रवाई होगी? के सवाल आवाम की जानिब से किए जा रहे हैं। काउंटिंग के दिन कथित नारेबाजी को लेकर सुमोटो के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो फिर तिरंगे का अपमान करने वालों पर भी क्या सुमोटो के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? खैर, इन तमाम के मद्देनजर मुस्लिम समाज के पास अपनी एक मंसूबाबंदी होनी चाहिए। खुशफहमी में ना रहे के चलो अब कांग्रेस आ गए तो तमाम मामला हल हो चुके हैं, हमारा कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल तो आजमाइश हो सकता है कि अब शुरू होने वाली है। ऐसा लग रहा है सिर्फ मुत्तहिद होकर किसी पार्टी को इख्तदार पर बिठाने से आपके मसले हल नहीं होंगे। ये भी बड़ी सोचने की बात है कि हम एक पार्टी को तो मुत्तहिद होकर वोट करते हैं, इख्तदार तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी सफों में इत्तेहाद करने से आज भी हम दूर हैं। आज भी हमारे अंदर एक दूसरे को लेकर नफरतें हैं। मुख्तलिफ मस्जिदों में मुख्तलिफ मसल के आज भी पनप रहे हैं। भले हम बाहर आकर इत्तेहाद की बात करें और एक पार्टी को जिताने की कोशिश करें, लेकिन आज भी हमारे दिलों में दूसरे मसलक, दूसरे जमात को लेकर बुग्ज़, कीना, कपट भरा हुआ है।
आपको हर मामले में मुत्तहिद होकर फिरासत के साथ कदम उठाने होंगे। मान लो अगर फसादात के जरिए फिरका परस मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या मुसलमानों का तहफ्फुज कहां तक मुमकिन है और क्या मनसूबाबंदी है? जो भी तशद्दुद कायम करना चाहते हैं, फिर किसी भी धर्म जात पात का हो, इंतजामिया या फिर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत सख्ती से कार्रवाई करेगी? ये तमाम सवाल आज भी लाजवाब है। इससे पहले भी हमने कांग्रेस हुकूमत में मुश्किलों का सामना किया है। भाजपा का ईद नवीन कुमार कटील का पैगाम बहुत कुछ बयान करता है। भाजपा PFI पर तो पाबंदी लगा चुकी है, पर क्या कांग्रेस बजरंग दल पर वाकई पाबंदी लगा पाएगी? इन तमाम सवाल के जवाब का इंतजार यकीनन रहेगा। कांग्रेस ने गारंटी कार्ड, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, चावल 10 किलो मुफ्त, 2000 रुपए घर की जिम्मेदार खातून को वगैरह स्कीमों को आवाम के सामने पेश किया और आवाम ने भी कांग्रेस के हक में भरकर वोट दिए। राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का बयान देकर दिल तो जीत लिया, पर जमीनी सतह पर कितना मोहब्बत की दुकान चलाने में कामयाब हो पाएंगे ये भी उतना ही अहम है, क्योंकि नफरत का बाजार दूर दूर तक फैल चुका है। मुस्लिम समाज महज जीत का जश्न मनाकर इत्मीनान में बैठने की बजाय एक दूसरे के साथ बड़ी संजीदगी से राब्ता कायम करने की कोशिश करे। 5 साल का मौका जरूर मिला है अगर ऑपरेशन कमल ना हुआ तो, क्योंकि सिर्फ ये एक ही समाज है जो 100% वोटिंग कांग्रेस को कर सकता है। बाकी वालों को तो कुछ किसी से लेना देना तो है नहीं, वो कोई भी किसी भी पार्टी में कहीं पर भी जा सकता है, कभी अपनी विचारधारा को बदल सकता है। यकीनन जिस तेजी से नफरत आगे बढ़ रही थी उसे कुछ देर ही से ही ब्रेक जरूर लगा है, पर कांग्रेस जीत गई, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि खुशफहमी में ना रहे। जहां भी कांग्रेस की हुकूमत फिलहाल है, फसादत के मंजर वहां भी देखे जा रहे हैं। फिरका परस्त तो उसी काम के लिए बैठा है, पर नुकसान मुस्लिम समाज का होगा। लिहाजा जरूरत है मुत्तहिद होकर समाज माशरे के फलाह बेबुदी के लिए रोजाना वक्त निकाले। अब पहले की तरह इत्मीनान की जिंदगी जीने के जिस आदत के आदि हो चुके हैं बदले। यकीनन फिरका परस्त कुछ मुट्ठी भर ही होते हैं, लेकिन पूरे शहर के माहौल को खराब करते हैं। जो तशद्दुद चाहते हैं उनके पास तमाम असबाब मौजूद हैं, हमारे पास सिवाय हमारे अपनी जाती जिंदगी संवारने के कुछ भी नहीं है। आज कांग्रेस हुकूमत आई है तो हर कोई अपना जाती मुफाद कैसे हासिल कर सकता हूं इसकी फिक्र में नजर आ रहा है। किसी को बंद फैक्ट्रियां शुरू करने की फिक्र है तो किसी को यानी लेआउट की फाइलों को मंजूर करने की फिक्र है, किसी को औहदे की फिक्र तो किसी को हुकूमत की स्कीमों का फायदा लेने की फिक्र सता रही है। यकीनन ये भी हो, लेकिन कौमी सतह पर भी एक फिक्र हमारे जहनों में गश्त करनी चाहिए। लिहाजा आज नवीन कुमार कटील ने रियासत में तशद्दुद का इशारा दिया हुआ है। इससे पहले भी अमित शाह ने यह इशारा दिया था। कांग्रेस की हुकूमत आई है तो यकीनन कुछ हद तक राहत कह सकते हैं, लेकिन एक तबका जिसकी ज़हनियत समाज में नफरत ही बांटने की और फैलाने की है तो मुकाबला कैसे कर पाएंगे? बड़े लीडरों को चाहिए कि इंतजामिया पर सही मुजरिमों को गिरफ्तार कर हालात बिगड़ने से पहले ही कैद किया जाए, और ऐसे वक्त में माशरे का इत्तेहाद ही सबसे बड़ी कुव्वत बन सकती है। एक बार फिर आखिर में अल्लामा इकबाल का वो शेर दोहराने की कोशिश करूंगा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।